हैं कि आपको बधाई देते हैं एनबीटी की तरफ से, इतने धन्यवाद कम आपका पहली उपलब्धि है आपकी जी। और ग्रामीण परिवेश से हैं आप। यस सर, यस सर। पढ़ते समय पिताजी आपके पहले सबसे पहले क्या करते हैं? पिताजी फार्मर हैं। फार्मर। तो यहाँ तैयारी करते थे और भी बच्चे आपके साथ रहते हैं या परिवार फैमिली के साथ नहीं, रहते हैं? फैमिली नहीं, मैं अपने मामा जी के साथ रहता हूँ। मामा जी के साथ रहते हैं, वो भी पढ़ते हैं क्या? यस सर, हाँ। यस सर। तो कैसे तैयारी किया था, कैसे अनुमान था कि ऐसा कुछ हो सकता है? सर यूपी आचार्य जी लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी करवा दी थी कि इतना तो विश्वास था ही कि यूपी टॉप 10 में आ जाए राजस्थान पहले से भरोसा था, जी। मेहनत कर रहे हैं। आगे के लिए क्या सोचा है कि क्या सर बनने का मैं ख्वाब क्या है? यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। घर तक सूचना पहुंची होगी, यस घर सर, वाले अभी क्या कह पिताजी रहे से हैं? बात किया, बोले बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। यहाँ के गुर्जर क्या कह रहे हैं? सर गुर्जन तो सामने ही है, बहुत अच्छा, बधाई दे रहे हैं सब लोग। आपके साथ बहुत सारे छात्र और भी हैं जो यस सर, आपके साथ ही खड़े हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं सब चीजों। यस सर। कैसा लग रहा है आपका मित्र जो है प्रयागराज का सर सबसे होनहार बहुत, टॉपर छात्र सर हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस अच्छा लग रहा सर, यस है। आप लोग भी साथ में हैं, साथ में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ बड़ा होगा, हाँ सर, लगता था। लगता था आपको भी? यस सर, हाँ, यस सर, बड़ा ही लगता था कि इस बार कुछ मतलब अद्भुत ही होगा। आपने भी अच्छा बिल्कुल परिणाम बिल्कुल दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा परिणाम दिया है। और हमारा दोस्त जैसा है, हम चाहते हैं वो और ऊपर जाए। वो उससे ऐसा नहीं है कि वो मेरा दोस्त है, वो ज़्यादा पा गया तो उसको करना है, लेकिन ठीक है, दो सब ने अच्छा मेहनत किया, सब ने अच्छा परिणाम किया। बालकों के साथ बालिकाओं ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और फिर से उन्होंने, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बालिका वर्ग फिर से अव्वल रद्दे पर रहे हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो प्रयागराज में फिलहाल हाई स्कूल की इस बच्चे ने टॉप किया है। तन्नू तन्नू, पिताजी क्या नाम है? श्री अजय कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 10th। 10th में। अभी आपका यूपी में 7वां रैंक हाई स्कूल में आया है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा बहुत खुशी हो रही है। है? ये कितने घंटे आप तैयारी कैसे करते थे? 6 से 7 घंटे। अच्छा, विद्यालय जाती थी, कोचिंग भी करती थी आप? हाँ सर। कोचिंग अटेंड करती थी, इसमें गुरुजनों का क्या विद्यालय का सहयोग रहा? अच्छा, बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे टीचर्स का। और परिवार में आपके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वकील हैं। वकील है। अच्छा, और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ती थी आप? हिंदी, संस्कृत अच्छा, और साइंस। कितना नंबर आया है टोटल? 584 नंबर। 84 नंबर। क्या आप जब आप परीक्षा दे के आई थी घर पे तो क्या एक कॉन्फिडेंस था कि इतना नंबर आएगा? आके अपना यहाँ पर गणित अपना मिलाल कर रही थी कि कितना हमने प्रश्न हल किया? सारा सब्जेक्ट का मिलान किया। अच्छा, आगे क्या बनना चाहेंगे, क्या सपना है? शिक्षक बनेंगे। अन्य लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं गांव के? उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें और आगे आगे बढ़े।